हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत है। सो दोस्तों, आज है मॉर्निंग का टाइम। अभी मैं नहा करके एकदम रेडी हो चुका हूँ, फ्रेश हो गया हूँ, जा रहा हूँ अपने घर की ओर, नए घर की ओर, धनबाद की ओर। और फाइनली हम लोगों का गृह प्रवेश का डेट भी आ चुका है और अब जाके हम लोग का कुछ हैप्पीनेस दिख रहा है चेहरे पर, क्योंकि इतना दिनों के बाद अब हम लोग बोल पा रहे हैं कि हाँ, अब हम लोग हमारे घर का पूजा होगा। लेकिन अभी भी कंप्रोमाइज़ करके चलना पड़ रहा है। नीचे का जो फ्लोर है ना, ग्राउंड फ्लोर, वो पूरा रेडी हो गया है, मतलब और थोड़ा सा काम बचा है जो कि हो जाएगा, पूजा आने के पहले ही हो जाएगा। फिर हम लोग इसी मंथ पूजा करने वाले हैं, डेट नहीं बताएंगे, पूजा का ब्लॉग आप लोग को देखने को मिलेगा। नीचे का ग्राउंड फ्लोर पूरा रेडी हो गया, लेकिन ऊपर अभी भी बाकी है और ऊपर होने में लग रहा है 1-2 महीना और लग जाएगा। ठीक है ना, नीचे हो जाएगा। किचन वगैरह सब रेडी हो गया, किचन हो गया, 2 बेडरूम हो गया, हॉल हो गया है, पूजा घर हो गया है। बाकी ऊपर में मेरा बेडरूम और मेरा स्टूडियो, जो मेन 2 चीज़ है, वो अभी बचा हुआ है, उसको हम आराम से कराएंगे। फिलहाल अभी पूजा करवाना जरूरी है, क्योंकि गृह प्रवेश का शुभ दिन जो है इसी मंथ लास्ट एक डेट बचा है, 1-2 डेट है शायद इसी मंथ में, उसके बाद और कोई डेट नहीं है, सीधे फिर पूरे साल के एंड में नवंबर में मिलेगा। तो हम लोग पूजा करवा ले रहे हैं, फिर हम लोग गृह प्रवेश भी कर जाएंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे ऊपर का काम करवाते रहेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं धनबाद, बाय बाय। और धनबाद जाने का रीज़न ये है कि अभी छोटा मोटा जो काम बचा है उसको लेना है, जैसे कि जो किचन में ऊपर में जो ये लगता है ना ग्रेनाइट, वो पूरा टॉप पे जो ग्रेनाइट लगता है वो लेना है, और पार्किंग का काम भी तो नहीं होता है, पार्किंग का टाइल्स लेना है लगेगा, सीढ़ी का टाइल्स लेना है, ये 2 चीज 2 दिन में हो जाएगा। और पार्किंग वाला जो गेट है बड़ा सा, उसको कलर करवाना है। और जाना पड़ रहा है सुबह सुबह 11 बजे जा रहा हूँ रेडी वेडी होके, क्योंकि जाऊंगा तभी होगा, अदरवाइज फिर से नहीं होगा। और फिर ये पूजा का डेट अगर निकल गया ना, तो फिर पूरा साल निकल जाएगा, टाइम नहीं हमारे पास, बहुत कम समय है। चलिए, पूजा का डेट इसी मंथ है, इतना बता दिए। अभी फिलहाल मैं निकलता हूँ, जाता हूँ, थोड़ा बहुत कुछ कुछ सामान लेना, उसको खरीदना है, किचन का बेसिन भी लेना है। और किचन इतना सुंदर बना है, मोटी खुश है एकदम, मन बहुत सुंदर। और किचन का मैंने ये डाला था स्टोरी फो फोटो। टाइल्स जो किचन का जो सनमाइका है वो इसी कलर का है, और उसके साथ वाइट है, ये 2 कॉम्बिनेशन में, तो वो आप लोग आगे मिलेगा। पूजा होगा उस दिन, आप लोग को पूरा रिवील करेंगे किचन वगैरह। अभी चलते हैं, मैं यहाँ से निकलता हूँ, पप्पू को उठाना है और निकलना है धनबाद। चलो बाय बाय। तो अभी पप्पू को यहाँ पे ले लिए हैं और चल रहे हैं सीधे धनबाद। सो दोस्तों, अभी तो रास्ते में जा रहे हैं, तो आप सबको थोड़ा सा एक चीज़ बता देते हैं। जैसे आप लोगों को पता ही होगा, मैंने यूट्यूब से बहुत कुछ अचीव किया है, ठीक है। मैंने घर, मतलब अभी जो मेरा नया बन रहा है, इससे पहले मेरा जो अभी मैं जिस घर पर रहता हूँ, वो भी मेरा यूट्यूब का ही इनकम का मैंने बनाया था खुद से। वो भी घर कुछ बुरा नहीं है, वो भी घर बहुत अच्छा है। उसके बाद काफ़ी सारे कार्स वगैरह मैंने ले रखा है, अभी मेरे पास 2 है, बाकी उससे पहले बहुत सारा ले करके हटा भी दिया चला चला के, ठीक है। उसके बाद बहुत कुछ अचीव किया है। अब ये जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है, अब ये जो अभी बन रहा है, मतलब आप समझ रहे हो ना, एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता था, अभी भी जो भी मानो, अब उस जगह पे हो करके अभी अपने मेन सिटी में जा करके अपना जमीन खुद के पैसे से खरीद के, प्लॉट खरीद के, फिर उसमें एक लग्जरियस घर बनाना, एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे के लिए बहुत बड़ा सपना होता है, जो कि पता नहीं कैसे कैसे पूरा हो जा रहा है। सब ऊपर वाले की कृपा है और आप लोगों का प्यार है, और मेहनत तो मेरा है जो है, जो मैं वीडियो वगैरह बनाता हूँ टाइम निकाल के, जो मेहनत मैंने किया है पहले। देखिए, मेहनत तो स्टार्टिंग डेज में ही लगता है, कोई भी एक सोशल मीडिया में जो काम करता है उसको सबसे ज़्यादा मेहनत स्टार्टिंग पे है। एक बार ग्रो करने में मेहनत बहुत ज़्यादा है, फिर ग्रो हो जाने के बाद मेहनत थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि आप समझ रहे हो कि कंटेंट बनाना है और पैसा आएगा। स्टार्टिंग में क्या होता है कि कंटेंट भी बनाना है, मेहनत भी करना है, और 1 रुपया आपको उसके बदले नहीं मिलेगा। और 2-2.5 साल मैंने ऐसे ही काम किया है, जिससे मुझे 1 रुपया नहीं मिला सोशल मीडिया से। तो उसी वक्त जो होता है ना, आपका एक तरह से बोल सकते हो कि भगवान जो होता है ऊपर वाला, वो आपका प्रतीक्षा लेता है कि आप कितना पेशेंस रख पा रहे हो आपके अपने अंदर में। तो वो पेशेंस मैंने रखा था, जिस वजह से आज मैं इस जगह पे हूँ। तो अगर आप भी सोशल मीडिया पे कोई काम कर रहे हो, ये सब जब वीडियो देखते हो, तो आप लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि हम भी करेंगे, हम भी कमाएंगे, तो थोड़ा सा भाई आपके अंदर में धैर्य भी होना चाहिए, पेशेंस भी होना चाहिए। तुरंत सब कुछ नहीं मिलने लगता है ना। अभी मैं देखता हूँ काफ़ी सारे लोग ऐसे आते हैं जो 20-25 वीडियो डाला, कोई तो 5 वीडियो डाल के ही बोलेगा, मतलब कि यार व्यूज़ वगैरह नहीं आ रहा है, सोशल मीडिया ये सब बेकार चीज़ है। ऐसा नहीं होता है, पेशेंस रखना पड़ता है आपके अंदर में, ठीक है। पेशेंस है तो ही आप जो है टिके हुए रहोगे, तो काम हो पाएगा। रेगुलर वीडियोस बनाते रहना होता है, जिस दिन कोई वीडियो वगैरह वायरल हुआ, कुछ एक्टिव सब्सक्राइबर्स आए, फिर आपका धीरे धीरे ग्रोथ शुरू होता है। तो उस चीज़ को देखने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। और अभी मैं नया वाला घर बना रहा हूँ, अब जल्द नए घर में शिफ्ट कर जाऊँगा इसी महीने। अब पुराने वाले घर पे बहुत सारा प्रॉब्लम था, जो कि मेरा पूरा सॉर्ट आउट होने वाला है अब।
पहला प्रॉब्लम यह था कि वहाँ पे इंटरनेट का बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं था, वाईफाई वगैरह बहुत स्लो चलता था, ये हो गया। दूसरा ये है कि काफ़ी सारे लोग वहाँ पर मिलने आया करते थे। अब आप बोलोगे मिलने आते थे तो ये क्या प्रॉब्लम है, मिलना प्रॉब्लम नहीं है, मिलने का तो मैं मिलता भी हूँ डेली का 20-25-50 लोगों से डेली मिल रहा हूँ। लेकिन मैक्सिमम क्या होता है पता है, 10% लोग आते हैं जिसको कुछ एक्चुअल में प्रॉब्लम है, कुछ जानना है, और जिसको सिर्फ फोटो लेना है और मिलने आते हैं। लेकिन 90% लोग आते हैं अपना फायदा के लिए, अपना फायदा उठाने के लिए, बाकी आप जाओ भाड़ में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्या करेगा, बहुत कोई आता है मेन मकसद होता है उनका वीडियो बनाने का, वीडियो बनाएगा थंबनेल में लगा देगा मनोज दे घमंडी, मनोज दे ये मनोज दे वो करके व्यूज आ जाएगा, वीडियो वायरल हो जाएगा। लेकिन उससे मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। क्या दिक्कत होता है, मान लीजिए कि कोई मुझे जो नहीं जानता उसको मैं बताऊंगा कि मैं यूट्यूबर हूँ, मनोज दे सर्च कीजिए यूट्यूब पे, आपको पता चल जाए। अब जब मनोज दे सर्च करेगा तो 4 वीडियो पहले आएगा मनोज दे घमंडी, तो आप बताओ कि ब्रांड वैल्यू पे इम्पैक्ट पड़ता है ना, मैंने इतना मेहनत करके नाम कमाया है, इस नाम को खराब आप लोग कहीं ना कहीं करते हो। थंबनेल में भले मनोज दे घमंडी है, वीडियो में भले मान लीजिए कि आपने कुछ गलत नहीं बोला, लेकिन ब्रांड वैल्यू पे इम्पैक्ट पड़ता है, कहीं ना कहीं गलत इम्पैक्ट पड़ता है अगले के सामने, जो मुझे नहीं जानता वो देखेगा बोलेगा अरे ये यही वीडियो बनाते हो क्या मनोज दे घमंडी ये वो। तो ये सब चीज़ बहुत दिक्कत होता था, मेन मकसद वीडियो बनाने का होता था। वैसे भी मैंने 1.5 साल से वीडियो बनाना बंद कर रखा है, 1.5 साल से मैं वीडियो पाता ही नहीं हूँ, कोई आए वीडियो में नहीं आऊँगा। आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवा लो, मैं कर दूंगा अपना टाइम निकाल के, आप मेरे से फोटो ले सकते हो, वीडियो नहीं बना सकते हो। 1.5 साल से मैंने इसी वजह से बंद कर रखा था। और आप चलिए कोई नहीं, सारा चीज़ों से मैं छुटकारा मिल जाएगा। अभी नए घर पे मैं जहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ वो घर ऐसा जगह में कि किसी को ढूंढ के पहला नंबर नहीं मिलेगा। और अगर आप मेरा गाँव आकर के जो आ जाते हो पुराने वाले घर पर, अगर आकर के भी पूछेगा ना कि मनोज जगह नया वाला घर कहाँ है, तो कोई बता भी नहीं पाएगा क्योंकि किसी को पता ही नहीं। मेरे घर वालों को नहीं पता तो बाहर वालों को कैसे पता रहेगा ऐसा जगह में मेरा घर। चलिए जो भी हो अभी जा रहे हैं, देखते हैं क्या क्या काम है, पहले नए वाले घर पे ही चलेंगे, उसके बाद देखते हैं अभी क्या क्या सामान वामान लेना है। चलिए तो यहाँ पे अभी पप्पू को भेजे हैं सत्तू का शरबत लाने के लिए, सत्तू का शरबत पियेंगे फिर अपने जाएंगे नए वाले घर पे। थोड़ा भूख लग रहा है क्योंकि ब्रेकफास्ट सुबह सुबह ना खाना मेरा ज़्यादा अंदर घुसता ही नहीं है, मन ही नहीं करता मॉर्निंग में खाने का। अभी 12 बजने वाला है, आप थोड़ा भूख लग रहा है, तो एक गिलास पहले सत्तू शरबत पी लेते हैं फिर जाएंगे। तो अभी गाइस आ गए हैं मार्बल दुकान में, किचन का जो टॉप का जो ग्रेनाइट है वो लेना है, और पार्किंग में जो लगेगा वो टाइल्स भी लेना है। तो चलिए जा करके जल्दी पसंद करते हैं। और काम तो मतलब कि ठेकेदार लोग सही तरीके से नहीं करता है, आज सुबह सुबह आए हैं तो बहुत कुछ देखने को मिल रहा है कि 2-3 मिस्त्री है वहीं लिसिड कर रहा है, ठीक है करने में 2-3 महीना लगा दे। अभी आए हैं सुबह सुबह तो बहुत सारा काम हो रहा है, 3-4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, पूजा से पहले जल्दी कंप्लीट करवाना है। अभी चलिए मार्बल पसंद करते हैं। किचन का बेसिन तो अभी बहुत सारा काम आज हो गया गाइस, बाथरूम का जो टाइल्स वगैरह है वो भी ले लिए, बेसिन का ले लिए, किचन का मार्बल ले लिए, बहुत काम हो गया। तो अभी गाइस आ चुके हैं घर, और आ करके अभी 2:30 बज चुका है, जाएंगे लंच करेंगे, जल्दी आ गए, सो रहे थे देखिए, बड़ा ना सो रहे थे, हम अपना काम करके सो रहे थे। अभी चलिए लंच करते हैं, पहले भूख लगा बहुत जोर, काम बहुत हो गया है, किचन का बेसिन ले लिए, तुम्हारा डाइनिंग का बेसिन ले लिए, हम भी तो इधर काम कर रहे हैं ना, हाँ ग्रेनाइट ले लिए, किचन का लिस्ट रेडी हो गया, पार्किंग का टाइल ले लिए, सीढ़ी का नीचे टाइल्स ले लिए, कलर वलर हो रहा है वो सब देख लिए, लेकिन किचू दिखाए नहीं क्योंकि दिखाना नहीं है, और एक सप्ताह आप लोग वेट कीजिए फिर डायरेक्ट पूजा का ब्लॉग मिलेगा आप लोग, उसी टाइम दिखाएंगे। चलिए अभी खाना खाने चलते हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग इतना ही था, इस ब्लॉग को लाइक कर देना, और अब आप लोगों को बहुत जल्द 2-4 ब्लॉग के बाद शायद से या तो 1-2 ब्लॉग के बाद ही डायरेक्ट पूजा का ब्लॉग आ जाएगा, क्योंकि पूजा का शॉपिंग वगैरह भी हमने कर लिया है, तो नए घर का पूजा का अब डायरेक्ट ब्लॉग आएगा, आप लोग देख पाओगे। फाइनली हमारा घर बन चुका है, सपनों का महल, क्योंकि बहुत जल्द अब हम लोग वहाँ पर जो है गृह प्रवेश करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।